ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। विराग विद्या निज भक्ति योगं शिक्षाएकतम सपुरुषं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि अस्तमं प्रपद्ये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्त हृदय संवित तम नरसिंहं भजे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी तम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतमृतम श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा रचित। कल हम लोगों ने श्रवण किया था भक्ति की महिमा क्या है, और उन भक्ति की महिमा श्रवण करते हुए हमने ये सुना कि भक्ति निखिल पुरुषार्थों की जननी है। इस पर हमने बड़े विस्तृत रूप से बड़े विस्तार से इस विषय को श्रवण किया था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं और भक्ति इन सारे पुरुषार्थों की भी जननी है। अब आगे श्रवण करते हैं। जो भक्ति निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार की तुलना में अत्यधिक आनंद प्रदान करती है। बड़ी सुंदर बात करें, जो भक्ति निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार की तुलना में अत्यधिक आनंद प्रदान करती है, तो जो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार है, भगवान के तीन फीचर्स हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान में जो निर्विशेष जो व्यक्ति भगवान के न रूप को मानते हैं न गुणों को मानते हैं, निरंजन आत्मराम आत्मकाम यही सब पुकारते हैं, तो उनको जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसमें जो अच्छा क्यों ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वो इतने आतुर रहते हैं, उनको जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसमें कोई आनंद तो होगा, परंतु कह रहे जो भक्ति उस निर्विशेष सब विशेष नहीं निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार की तुलना में अत्यधिक आनंद प्रदान करती है। भक्ति में जो सुख है, भक्ति में जो आनंद है, वह आनंद सभी आनंद की तुलना में सर्वोच्च है। और जो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार में आनंद होने पर भी उसकी जो तुलना है भक्ति के साथ वह बहुत छोटी है। अब इसी से ही श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक कहा। इसके संबंध में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक कहा
कहते हैं ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्राधिकृता नैति भक्ति सुखाम्बोधो प्रमाण तुलमपि। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्रार्ध दुईकृता नैति भक्ति सुखाम्बोधो प्रमाण तुलमपि। एक प्रारब्ध होता है ब्रह्मा जी के 50 वर्ष। ध्यान से समझना, ब्रह्मा जी का जीवन 2 प्रारब्ध का है। अभी इस समय ब्रह्मा जी का 1 प्रारब्ध पूर्ण हो चुका है और ब्रह्मा जी की आयु इस समय 51 साल की है, 51 ईयर्स। ब्रह्मा जी 51 रनिंग चल रहे हैं। 1 प्रारब्ध समाप्त हो गया, अब दूसरा प्रारब्ध चल रहा है। कहते हैं ब्रह्मानंद, उस ब्रह्म में लीन होने पर जो आनंद होता है, जो सुख होता है, अब ये हम लोग नहीं जान पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हम तो गाड़ी, घर और विवाह के सुख में ही, उसी में मौज मस्ती में मग्न है ना। लेकिन एक बड़ा विशेष सुख है, एक बड़ा विशेष आनंद है, उस निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने पर एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो ब्रह्मानंद जो जिसको कहा गया, ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद, उस आनंद को यदि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जितना मान लिया जाए, वो भक्ति के आगे प्रमाणु तुलनमपि। ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्रार्थी दुनी कृता नैति भक्ति सुखाम्बोधो प्रमाणु तुलनमपि। वो भक्ति के आगे एक परमाणु, एक एटम के बराबर सुख है। वो कंपैरिजन भी देखो कैसा है, तुलनात्मक भी देखो कैसा है। फिर से सुनो, जो लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे बहुत से है ना, और लिखा भी जाता है ब्रह्म लीन ये महाराज, ब्रह्म लीन वो महाराज, वो ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं। और ब्रह्म में लीन होने का अर्थ क्या, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। इसको स्पिरिचुअल सुसाइड भी कहा जाता है। एक सुसाइड तो हम सुनते हैं कि शरीर को समाप्त कर दिया, और ये अपने आत्मा को परमानंद में लीन करके उस आत्मा के अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। कहने का अर्थ साधारण भाषा में यही, मिश्री को जीभ में रखो तो मिश्री का स्वाद मीठा लगता है ना। लेकिन अगर कोई स्वयं मिश्री ही बन जाए तो फिर उस मीठे का स्वाद कैसे होगा। जब स्वयं मिश्री ही बन जाए तो स्वाद कैसे मिलेगा बताओ। मिश्री का स्वाद लेने के लिए एक तो मिश्री और एक हम, दो की आवश्यकता होगी ना। और अगर हम ही मिश्री बन जाएं तो फिर स्वाद किस चीज का लेंगे। जैसे एक और उदाहरण समझो, सुषुप्ति कहा जाता है। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ हो, तो बड़ी उस गहरी नींद में जब वो सो रहा है तो उसको सुख और आनंद की कोई प्रतीति होती है। उसको आनंद तब होता है जब वो नींद से जागता है। जब नींद से जागता है तो कहता है, ओहो रात को बड़ा अच्छी नींद आई, क्या सुख मिला। तो कब सुख मिला, जब वो नींद से जागा तब उस सुख का अनुभव हुआ। लेकिन जब वो नींद में ही पड़ा हुआ है, उस समय तो सारी इंद्रियां, सब मन इत्यादि सब सब शिथिल हो पड़े हैं, डॉर्मेंट स्टेट में है, तो उस समय सुख की अनुभूति करने वाला वो मन भी सोया हुआ है। सुख का अनुभव होता है किसको अनुभव होता है, मन को होता है। जीभ में अच्छे से रसगुल्ला गुलाब जामुन खाया तो जीभ को सुख मिलता है नहीं,
सुख किसको मिलता है? मन को मिलता है ना। तो जितनी भी इंद्रियों से सुख हम भोग करते हैं, उसका जो स्टोर हाउस है, उसका जो गोदाम है सुख का, वो मन है ना। तो जीव में सुख नहीं, मन को सुख मिलता है। लेकिन गहरी नींद में वो मन भी सोया हुआ होता है, इसलिए उसको सुख का अनुभव नहीं होता। जब वो जागता है तब कहता है हाँ बड़ी अच्छी नींद आई। तो जागने पर नींद की अनुभूति होती है। ऐसे ही जो ब्रह्मानंद, ब्रह्म में लीन होना, उस तेज में लीन होने के आनंद को स्वाद लेते हैं, अपने अस्तित्व को ही आनंद में आनंद बन जाते हैं, लेकिन आनंद के अस्वादक नहीं बन पाते। उस आनंद में स्वयं आनंद बन गए, तो भैया आनंद में स्वयं आनंद बनना ही तो स्वाद नहीं होता। आनंद का अस्वादक तब स्वाद आता है। तो उस ब्रह्म में लीन होने का, ब्रह्मानंद भवतेषु, 50 ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक इतना गहरा, इतना लंबा समय उस आनंद का, भक्ति के सामने उसकी तुलना कितनी गई गई, बोलते परमाणु, वन एटम, एक एटम के बराबर बस। तो सोचो भक्ति में कितना सुख होगा। ब्रह्मा जी के 50 साल ये भी कोई कम होते हैं क्या? ब्रह्मा जी का एक ही दिन कितना बड़ा होता है ना, कितनी बार बतलाया ना, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 71 बार 71 टाइम्स बीत जाते हैं, तो उसको कहा जाता है एक मनवंतर। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के बस 12 घंटे होते हैं, मतलब दिन होता है, और इतनी बड़ी उनकी रात होती है। ये तो अभी एक दिन का हिसाब है, और सोचो 50 वर्ष ब्रह्मा जी के कितने बड़े होंगे। उन ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में जो ब्रह्मानंद का सुख है, वो भक्ति के आगे एक परमाणु के समान है, क्योंकि भक्ति में दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, स्वामी और दास। स्वामी बनकर भी सुख नहीं मिलता, दास बनकर ही सुख मिलता है। जितना दास सेवा करके, स्वामी की सेवा करके जिस सुख का अनुभव, अनुभूति करता है, स्वामी भी नहीं कर पाता, समझे। हनुमान जी राम जी की सेवा करके जिस सुख का अनुभव करते हैं, राम जी नहीं कर पाते। साधारण उदाहरण से समझो, घर में जाओ तो माताएं बड़े अच्छे पकवान बनाकर भोजन करवाती हैं, और बार बार कहती हैं अच्छा थोड़ा सा और ले लो ना, अच्छा थोड़ा और ले लो ना, अच्छा ये वाला ले लो ना, खा तो हम रहे हैं, सुख हमको मिल रहा है, आपको खिलाने में क्या सुख मिल रहा है? खिलाने में भी सुख है ना। तो जो व्यक्ति भोग रहा है, उसको खा रहा है, उसको तो आनंद मिल रहा है, लेकिन जो खिला रहा है उसको दोगुना आनंद मिलता है। तो सेवा में जो सुख है वो स्वामी बनकर भी सुख नहीं है। इसलिए उस आनंद की अनुभूति के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, स्वामी और सेवक। स्वामी बनने में भी सुख नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, कृष्ण जो भगवान है, जो स्वामी है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं उस सेवा सुख का आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे नाम जब करते हैं तो उनको क्या आस्वादन की प्राप्ति होती है, मेरा नाम और मैं ही अपने नाम का स्वाद नहीं ले पाता, मेरे भक्त करते हैं स्वाद। मेरे रूप में ऐसी क्या माधुरी है, इतनी क्या विशेषता है जो मैं नहीं, मेरा सेवक उसका अनुभव और उसकी अनुभूति कर पाता है।
ऐसा क्या है उसमें, समझे। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और अपने नामों का ही स्वाद ले रहे हैं, अपने रूप का स्वाद ले रहे हैं। तो इसलिए बताया भक्ति में वह सुख है और किसी वस्तु में सुख है ही नहीं। और कल की कथा में सुनी लिया ना, ध्रुव महाराज जी ने सारे और जितने पद हैं, जितने पुरुषार्थ हैं, उनको क्या क्या मान लिया, उसको टूटे हुए गिलास के टुकड़े। ब्रह्मा जी के पद को भी टूटा हुआ गिलास का टुकड़ा मान लिया। स्वामी वरम वरम न याचे, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे। अच्छा, कहने को तो बहुत कुछ है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जिस भक्ति की कृपा से अनित्य विशेष सुखों से सहज ही छुटकारा पाया जाता है, क्या कह रहे हैं, जिन भक्ति की कृपा से अनित्य विशेष सुख से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है। विशेष सुख से, विषयों में सुख है कि नहीं, सुख है तभी तो हम विषयों को भोगते हैं। खाने में भी सुख है, सुनने में भी सुख है, स्पर्श करने में भी सुख है, हर वस्तु में तो सुख है, तभी तो हम विषय भोगते हैं, नहीं तो फिर हमको भोगने की क्या आवश्यकता पड़ी। सुख के कारण तो भोगा जाता है, लेकिन वो सुख को अनित्य कहा गया, ये बात नहीं कि उसमें सुख नहीं है, सुख है, लेकिन हम जो शास्त्र और गुरुजन जिस बात को समझाना चाह रहे हैं, बेटा वो सुख कैसा है, थोड़ी देर का है, वो नित्य नहीं है, वो सुख अनित्य है। ऐसी बात नहीं कि उसमें सुख नहीं है, है, लेकिन कितनी देर का है। खाने में अच्छा, बड़ी तेज भूख लगी हो, बड़े अच्छा भोजन हो, रबड़ी, मालपुआ, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, टिक्की, कचौड़ी सब पड़ा है, आहा श्रीखंड पड़ी है, हाँ, उसको खाने में सुख आ रहा है, लेकिन ये तो हम अनुभव कर सकते हैं, कितनी देर का सुख है वो, विचार करके देख लो। जब तक हम वो मुख में डाल रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और वही जलेबी खाते 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 वही जलेबी फिर फीकी लगने लग जाती है ना। वो विषय में सुख तो है, लेकिन वो सुख, वो जो सुख है वो अनित्य है, टेम्पररी है, बस ये बात है। लेकिन जिस भक्ति की कृपा से वो अनित्य विषय सुखों से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है, उन विषय सुख से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, भक्ति में उन्नति नहीं होगी, और भक्ति में उन्नति करने के लिए हमको उसी भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वही भक्ति हमको इस बात को प्रतीति करा देगी कि ये विषय सुख अनित्य हैं। वो भक्ति से ही प्रतीति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, और सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बात करें, जिसको श्री कृष्ण ने गीता जी में कह दिया, रसो वर्जम रस श्रेष्ठम। जब उन्नत रस का स्वाद लगेगा तो निम्न रस अपने आप ही फीका हो जाएगा, जब बड़े रस का स्वाद आएगा तो छोटा रस अपने आप ही छोटा हो जाएगा। एक बार शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, कहते हैं एक लकीर खींची, एक लाइन खींची, अब बिना उसको, अच्छा एक पेन से एक लाइन खींची, समझ आ रही बात, एक पेन से एक लाइन खींची, अब कंडीशन ये है कि इस पेन से ही बिना काटा मारे, बिना उसको क्रॉस किए, इस लाइन को हम छोटा कैसे बना सकते हैं। इस एक लाइन को छोटा तभी हो सकता है जब उसको पेन से थोड़ा सा बीच में क्रॉस कर दें, तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो लाइन छोटी हो जाएगी, एक इतना सा पोर्शन होगा, एक इतना सा होगा, एक इतना सा छोटा हो गया ना। लेकिन पहले कंडीशन बता दी कि क्रॉस नहीं करना, आपके पास पेपर भी है, आपके पास पेन भी है,
ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इस लाइन को छोटा बनाना है, कैसे होगा छोटा, और कंडीशन ये इसको क्रॉस नहीं करना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया मामला, इतनी कंडीशन भी लगा दी और इस लाइन को छोटा भी करना है। तो शिला महाराज जी बताते हैं सीधी सीधी बात है, इसके पैरेलल में एक लंबी लाइन खींच दो, है ना, इसके साथ एक लंबी लाइन खींच दो, तो वो जो पहले खींची हुई लाइन वो क्या हो जाएगी, अपने आप छोटी हो गई। इतना सीधा सा फॉर्मूला है जो हम लोगों की बुद्धि में नहीं आ रहा, इतना सीधा सा फॉर्मूला कि कैसे उस विशेष सुख को जो टेम्पररी है, अनित्य है, उसको छोटा कैसे बनाया जाए, उसके पैरेलल एक लंबी लाइन खींच दी जाए। रसो वर्जम रसम शिष्टम, मतलब उसके आगे यदि भक्ति की लाइन खींच दी जाए तो विशेष सुख अपने आप ही फीके और घृंद लगने लग जाते हैं, अपने आप ही स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली ये होगा। तो गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, जब श्रेष्ठ रस का आस्वादन लग जाएगा जीव पर तो छोटा रस अपने आप हट जाएगा। एक बच्चा 2 महीने से उसकी माँ उसको रोज उबली हुई खिचड़ी खिला रही है, बॉइल्ड खिचड़ी 2 महीने से, और 2 महीने के बाद उसके सामने कचौड़ी, सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, आलू की सब्जी, चकाचक मसाले डालकर और पूड़ी, ये सब भटूरा रख दिया, छोले रख दिए, अब एक तरफ ये रख दिया, एक तरफ खिचड़ी रख दी, बताओ फंस गया बेचारा, कहाँ दृष्टि जाएगी, कहाँ स्वाद जाएगा और कहाँ हाथ जाएगा, खिचड़ी वाले पात्र में हाथ जाएगा, अब इसमें जाएगा। और जैसे ही वो भटूरा, छोले, आलू की सब्जी, कचौड़ी, हलवा, जलेबी, इमरती, आज तो द्वादशी है कह सकते हैं, मुंह में पानी भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं तो जैसे ही वो टेस्ट लग गया उस बच्चे को, अगले दिन माँ पूछेगी बेटा खिचड़ी बनाओ, नहीं नहीं वो बनाओ ना कचौड़ी आलू, फिर अगले दिन पूछेगी खिचड़ी बनाओ, अब कौन खिचड़ी खाएगा। जिसको ऐसा रस लग गया, जहां पर बड़ा रस लग गया, हलवा पूड़ी का रस लग गया, कहां वो खिचड़ी खाना पसंद करेगा। तो लाइन अपने आप छोटी हो गई ना, कोई डांटना नहीं पड़ा, कोई समझाना नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं कहना पड़ा, अपने आप खिचड़ी वाली लाइन छोटी हो गई जब उसके आगे एक बड़ी लाइन को खींच दिया गया। जब बड़ा रस का स्वाद आ गया, छोटा दूसरा अपने आप ही छोटा हो गया बिना उसको कुछ छेड़े खान करे। इसलिए जहां पर जिसको भक्ति का थोड़ा सा सुख अनुभव हो जाता है तो उसको विशेष सुख अपने आप ही फीके लगने लग जाते हैं, अपने आप ही। मन करता है मैं हरि नाम करूं, मन करता है मैं अच्छे से एकादशी करूं, मन करता है मैं परिक्रमा में जाऊं, मन करता है मैं हरि कथा सुनूं, और जिसको कथा में रस लग जाता है ना, वो तो हाथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाता है, कोई पॉइंट छूट ना चले ये कथा का रस है, हाँ उसको नोट कर लिया जाता है, हाँ ये वाली बात मैं नोट कर लूं, रस लग गया ना। कथा तो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे अभी भी, फेसबुक पर, जूम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, लगभग 70-80 लोग कथा सुन रहे हैं इस समय, इससे ज़्यादा ही होंगे। नहीं मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कथा सुनने का भी एक ढंग होता है ना, कोई तो कुछ खाते खाते कथा सुन रहे होंगे, कोई रसोई साफ करते हुए कथा सुन रहे होंगे, कोई बर्तन कर रहे होंगे, कोई सामने टीवी भी चल रहा होगा, वो भी थोड़ा ध्यान उधर थोड़ा इधर, तो चलो धर्म का काम तो हो जाएगा, दिन में एक बार कथा तो सुननी हो जाएगी। कोई गाड़ी चलाते हुए भी कथा सुन रहा होगा और कोई पेन पेपर लेकर बैठकर भी कथा सुन रहा होगा,
क्योंकि रस लग गया ना। अब एक एक पॉइंट उसको नोट किया जाता है। सो इसलिए श्री कृष्ण गीता जी में कह दिए रसो वर्जम, जब श्रेष्ठ रस का स्वादन हो गया तो छोटा रस की लाइन अपने आप छोटी हो गई। एक बड़ा लाइन खींच दो तो वो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। बस सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसलिए कह रहे हैं जो भक्ति निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार की तुलना में अत्यधिक आनंद प्रदान करती है। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी जी का उदाहरण दिया ना, कब सुखदेव गोस्वामी जी अपने मुख से कह रहे हैं, अपना अस्तित्व तो बतला रहे हैं, परिनिष्ठ अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला, कि मैं पहले निर्गुण ब्रह्म में जो लीन था, लेकिन जब व्यास देव जी के द्वारा भागवत जी में श्री कृष्ण के रूप का मैंने श्रवण किया तो मैं अपने आप ही खींचा हुआ चला आया। किसी ने खींचा नहीं, मैं अपने आप खींचा हुआ चला आया। तो क्या हुआ, वहां पर बड़ी लाइन ड्रॉ हो गई ना, बड़ी लाइन खींच दी ना, जहां श्री कृष्ण के रूप का, सब विशेष रूप का जहां पर श्रवण हुआ, जहां पर उनकी गुणों का कि कैसे श्री कृष्ण परम दयालु हैं, कि वह पूतना जो राक्षसी थी लेकिन माता का वेश धारण करके आई, श्री कृष्ण ने उस पूतना का वध किया, लेकिन वध करने के पश्चात उसको मात्र उचित गति प्रदान की अपने ही धाम में, कम वा दयालु शरणम ब्रजेना। इससे श्रेष्ठ, इनसे श्रेष्ठ और कौन दयालु हो सकता है। जब गुणों के संबंध में सुना, जब रूप के संबंध में सुना, तो सुखदेव गोस्वामी जी उस निर्गुण ब्रह्म के आनंद से निकलकर सविशेष श्री कृष्ण के रूप और वे गुणों से आकर्षित हो गए। तो क्या हुआ, एक बड़ी लाइन खींच दी ना, जैसे ही वो बड़ी लाइन खींच गई, निर्विशेष ब्रह्म अपने आप ही, वो जो आनंद वो अपने आप ही फीका और छोटा हो गया। बस सीधी सीधी बात। सनक आदि चार कुमार वे भी निर्गुण ब्रह्म में लीन होने वाले, लेकिन जैसे वैकुंठ की ड्योढ़ी पर पहुंचे, वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे और जय विजय को शाप दिया, और जो श्री नारायण जी को भीतर बैठे बैठे ही पता लग गया कि जय विजय को शाप लग गया, और श्री भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ दौड़े दौड़े जब बाहर आए और चार कुमारों ने जब भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया, उनके हृदय में भक्ति उतर आई, और जब भक्ति उतर आई तो उन्होंने स्वयं ही अपनी वाली लाइन को छोटा बना दिया, स्वयं ही। तद्वत् रिक्तमतेय यतोपि रुद्धा शोधगणं तरणं भज वासुदेवम्। उन्होंने अपने ही विज्ञान मार्ग को ही छोटा बना दिया, निम्न बना दिया। तद्वत् रिक्तमतेय, जो उस ज्ञान मार्ग को, उस ब्रह्मानंद के सुख को आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं, वह रिक्तमति, रिक्तमति मतलब एम्प्टी हेडेड, मतलब मूर्ख हैं, बुद्धि नहीं है उनकी। चार कुमार, तद्वन रिक्तमतयो यतोपि रुद्धा शोधगणं तरणं भज वासुदेवम्। जो वासुदेव की भक्ति करते हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वही बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस लाइन को अपने वाले ही जो प्रोसेस को, पद्धति को जो पालन कर रहे थे, अपने आप से उसको छोटा करके ये कह दिया, जो ये पालन करते हैं वो खाली दिमाग वाले हैं। और बुद्धिमान कौन, यजन्ति ही सुमेधसा। कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेधसा। तो भागवत जी में रिक्तमति भी कहा, किन्होंने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत, ये जो चार कुमार हुए ब्रह्मा जी के पुत्र, प्रथम पुत्र, ये ज्ञान मार्ग को अवलंबन करके, ज्ञान मार्ग को ही पालन करते हुए उस निर्विशेष ब्रह्म के सुख में सब समय लीन रहने वाले, लेकिन जब भगवान के श्री चरणों का जब दर्शन किया तो हृदय में जब भक्ति आई, उस भक्ति ने अपने आप इनकी लाइन को छोटा कर दिया।
उस निर्विशेष ब्रह्म को छोटा कर दिया। इसलिए वही चार कुमार जिस पद्धति का पालन कर रहे थे, आज उन्होंने ही इस बात को कह दिया कि वासुदेव श्री कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो और इस मार्ग को छोड़ दो। वो जो इस मार्ग को पालन करते हैं वो कैसे हैं? रिक्त मते हो, खाली बुद्धि वाले। लेकिन वही भागवत जी सुमेधसा भी कहती हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? वो थे कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्ण संगोपंग अस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयाई यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो अकृष्ण है, कृष्ण का मतलब श्याम रंग के, और अकृष्ण कह दिया जाए तो मतलब श्याम रंग के नहीं, तो श्याम रंग के नहीं का मतलब जो गोरे रंग के हो गए। लेकिन मुख से क्या वर्णन कर रहे हैं? कृष्ण वर्णम, अपने मुख से कृष्ण का ही नाम कर रहे हैं। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। जो इन अवतार का पूजन करेगा वही क्या है? ये जनति ही सुमेधसा, वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो भागवत जी में उनको रिक्तमति, एम्प्टी माइंड मतलब मूर्ख, बड़े अच्छे शब्द व्यवहार किया ना। किसी को बोल देना तू मूर्ख है तो एकदम बिगड़ जाएगा, है हमको मूर्ख क्यों बोलते हो? लेकिन बड़े प्यार से कहो, देखो संस्कृत में तुम ना रिक्त मते हो, तो इतना खराब नहीं लगता। हाँ बड़ी अच्छी सी गाली दी, सोच समझ कर, क्या सुंदर लग रही है। तद्वत ना रिक्त मते हो, तुम ना रिक्त मती हो। या फिर कह दो बुद्धिहीन हो। हाँ लेकिन रिक्तमति थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है। बुद्धिहीन फिर थोड़ा सा गाली जैसा लगता है। लेकिन वही भागवत जी में किसी को बोल दो तुम बड़े समझदार हो, हाँ तो सब लोग बोलते ही हैं। लेकिन कह दो तुम बड़े सुमेधसा हो, हाँ बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, क्या शब्द व्यवहार किया, ऐसा लगता है किसी एक स्पेशल मिठाई का नाम है सुमेधसा। हाँ इसको मैं खाऊंगा, सुमेधसा। मेधसा मीन्स मतलब जो बहुत बुद्धिमान, और सुमेधसा मतलब बहुत ही सुंदर बुद्धि वाला। और वो किसको इंगित किया गया? जो इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भजन करेगा, गौर नित्यानंद, गौर नित्यानंद प्रभु का जो भजन करेगा, जो नाम करेगा, वही क्या है? सुमेधसा। तो एक तो सुमेधसा और एक रिक्तमते, और एक शब्द होता है श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब क्या? किसी को कह दो बच्चे को, अरे तुम तो जो सुन लेता है एकदम याद कर लेता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ये कॉमन हो गया इंटेलिजेंट। और किसी को कह दो बेटा तुमने तो ये सुना और साथ ही साथ तुमने बोल दिया, श्रुतिधर हो, तो ये लगता बड़ा अच्छा शब्द है। श्रुतिधर का मतलब जो सुनने के साथ साथ वैसे का वैसे दोहरा दे, श्रुतिधर। तो जिन भक्ति की कृपा से अनित्य विशेष सुख से सहज ही छुटकारा पाया जाता है, श्री राधा रमन की श्री चरण युगल की ही जिसका प्रधान आश्रय है, श्री राधा रमन जी के युगल चरण ही जिसका प्रधान आश्रय है, ब्रजवासियों जैसे अत्यधिक प्रेम से जिसका अनुशीलन करना होता है, उन श्री भक्ति देवी को पुनः पुनः नमस्कार है। भक्ति देवी को प्रणाम किया जा रहा है। वो भक्ति देवी का प्रयोजन क्या, उससे क्या लाभ होगा? बोलते राधा रमन जी के चरण युगल ही प्रधान आश्रय है जिनका, और ब्रजवासी जैसे अत्यधिक प्रेम से जिसका अनुशीलन करना होता है, वही क्या है? उन भक्ति देवी को हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति देवी कभी चुपचाप शांत भाव से आती है? ये भक्ति का स्वभाव नहीं। भक्ति देवी तो सदैव संकीर्तन करती हुई आती है। प्रमाण क्या? बोलते प्रमाण है पद्म पुराण, जहां पर
सात दिन की श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति जी के कष्ट को भक्त को भी दूर किया गया। भक्ति जी का कष्ट क्या है? भक्ति का कष्ट है कि ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र मूर्छित हुए पड़े हैं वृंदावन में, जहां पर कोई उनका मोल नहीं है। तो नारद जी हरिद्वार में जब गए और सनक आदि के द्वारा जब भागवत कथा अभी आरंभ ही करने लगे, भक्ति देवी वहां पर नित्य करती हुई चली आई। वृंदावन ऐसा धाम जहां पर भक्ति देवी नित्य करती है। धन्य वृंदावन तेना यत भक्ति नृतयति चा। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां पर भक्ति सदैव नित्य ही करती रहती है और सबको नित्य कराती है। ये भक्ति महारानी का वैशिष्ट है। तो भक्ति जी जब वो भागवत के आरंभ से जो भक्ति जी आई, वो मौन धारण करके नहीं आई, भक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति जी का गुण है, संकीर्तन करती हुई आती हैं। तो उन भक्ति देवी को पुनः पुनः नमस्कार है। अच्छा, फिर बता रहे, जिनके श्री रूप का आश्रय ग्रहण करने पर मेरे जैसा व्यक्ति भी उन श्री चैतन्य चंद्र की भक्ति को प्राप्त करता है, अपने ही नामामृत का सेवन आस्वादन करने वाले उन चैतन्य चंद्र को पुनः पुनः नमस्कार है। देखो श्री सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बोलते हैं जिनके श्री रूप का आश्रय ग्रहण करने पर, एक विशेषता है, एक विशेषण है। रूप गोस्वामी पाद श्री सनातन गोस्वामी जी को सदैव अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी जी को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, जबकि सनातन गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी के बड़े भ्राता हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन सेवा परिपाटी में जो श्री रूप मंजरी का वैशिष्ट्य है, देखो यहाँ पर बड़ा छोटे वाली बात, ये शब्द भी बड़ा छोटा बड़ा विचित्र लगता है कहना, इसलिए बड़ा छोटा नहीं कहा जाता, यहाँ पर ये कहा जाता है वैशिष्ट्य, स्पेशलिटी। सनातन गोस्वामी जी भले ही रूप गोस्वामी जी के ज्येष्ठ भाई हैं, गुरु भ्राता है, नहीं अपने ही भाई हैं, सनातन गोस्वामी जी ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए रूप गोस्वामी जी सदैव उनका आदर करते हैं। और भक्तिरसामे सिंधु हो या जो जितने भी ग्रंथ हो, मंगलाचरण में कहीं ना कहीं सनातन शब्द वे व्यवहार करके सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। अब इस सनातन के दो अर्थ निकलते हैं। मंगलाचरण में वो जो सनातन शब्द होता है वह भगवान पर लागू है, भगवान जो कि सनातन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है ना। तो रूप गोस्वामी जी वो सनातन शब्द से ना मात्र अपने इष्ट अपने भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हैं, परंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन गोस्वामी जी का वहां पर उल्लेख करके, उनको प्रणाम करके, उनकी कृपा की इच्छा करके आगे ग्रंथ को बढ़ाते हैं। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। दूसरी ओर सनातन गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य देखो कि ग्रंथ में आरंभ में मंगलाचरण में वे रूप गोस्वामी जी का नाम उल्लेख करके तो उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए ग्रंथ को आगे करते हैं। बड़े तो सनातन गोस्वामी जी हैं,
लेकिन जहाँ सेवा परिपाटी आती है वहां पर रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है, रूप मंजरी का वैशिष्ट है। जहां पर निकुंज में कुंज में रूप मंजरी ही सबसे प्रधान है, जहां पर रूप मंजरी ही अपनी सखियों को भी जिनके अनुगत में रूप मंजरी जी सेवा करती हैं उन ललिता सखी को भी हाथ दिखाकर रोक देती हैं, उनको कुंज में प्रवेश नहीं करने देती। अब ये बड़ी रसीली बात हो जाएगी, बहुत इसमें वृंदावन के गहन विचार हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी मंगलाचरण में ही जिनके श्री रूप का अर्थात माँ प्रभु जी के प्रिय परिकर, प्रिय स्वरूपे, दैत्य स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहज रूपे, हाँ कितने सारे रूपों से श्री रूप गोस्वामी जी का महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने पर मेरे जैसा व्यक्ति भी उन चैतन्य चंद्र की, उन महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त करता है। अपने ही नामामृत का सेवन अर्थात आस्वादन करने वाले उन चैतन्य चंद्र को नमस्कार करता हूं। कौन से महाप्रभु जी को प्रणाम किया? अब कौन से महाप्रभु जी का मतलब क्या? महाप्रभु जी तो एक ही है। महाप्रभु एक होने पर भी कितनी प्रकार की वो जो लीला करते हैं इससे उनका वैशिष्ट्य है। एक महाप्रभु जी वो हैं जो नवदीप में जो लीला कर रहे हैं, एक महाप्रभु जी वो हैं जो गोदावरी में गए और रमानंद राय जी से कृष्ण तत्व, राधा तत्व, उस रस तत्व की चर्चा में पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं, एक महाप्रभु जी वो हैं। एक महाप्रभु जी वो हैं जो नीलाचल जगन्नाथपुरी में हैं, एक महाप्रभु जी वो जो स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी के साथ गंभीरा में बैठकर उस प्रेम रस का स्वादन कर रहे हैं, और एक महाप्रभु जी वो जो जगन्नाथ जी के रथ के आगे उदंड नृत्य कर रहे हैं, एक महाप्रभु जी वो जो अपने बाहरी भक्तों के साथ नाम संकीर्तन का स्वादन करते हैं, एक महाप्रभु जी वो जो अपने अंतरंग भक्तों के साथ गंभीरा में बैठकर उस प्रेम रस का संकीर्तन नहीं बस आस्वादन कर रहे हैं, एक महाप्रभु जी वो जो अपने भक्तों पर शासन कर रहे हैं, छोटा हरिदास और राजा प्रताप रुद्र, मुकुंद इत्यादि पर और सची माता पर महाप्रभु जी का जो मधुर जो शासन है, एक महाप्रभु जी का वो स्वरूप है। और एक महाप्रभु जी महावदन्याय बनकर जगाई मदाई को प्रेम दान दे रहे हैं, एक वो स्वरूप है। एक महाप्रभु जी निमाय बनकर सची गर्भ हिंदू सची माता के गर्भ से जन्म लेकर सारे विश्व में हरि बोल की ध्वनि से सारे विश्व को पवित्र कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी का स्वरूप वो जो निमाय बनकर जो चंचलता कर रहे हैं, बच्चों के कान में पानी डाल देना, ब्राह्मणों के चरणों को खींच देना, जो युवतियां गंगा जी की पूजा करने आए उन युवतियों के साथ जो छेड़खाड़ करना, खिलवाड़ करना, एक वो स्वरूप है। एक महाप्रभु जी का जो गदाधर पंडित जी के साथ जो अंतरंग भाव वाला स्वरूप है, श्री गौर गदाधर, और एक महाप्रभु जी का स्वरूप जो श्री अद्वैताचार्य जी के साथ जो उन्होंने लीला किया, एक महाप्रभु जी का स्वरूप जो नित्यानंद प्रभु के साथ उन लीला को जो किया, इसलिए एक ही महाप्रभु कितने रूपों में प्रकट हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन कौन से भक्त के साथ और कौन से स्थान पर वो जो लीला परायण है उसी से उनका वैशिष्ट्य का वैशिष्ट्य कतदंद भेद आ जाता है। जो महाप्रभु जी गदाधर पंडित के साथ हैं वही महाप्रभु जी के नित्यानंद प्रभु के साथ हो सकते हैं, और वही श्री अद्वैताचार्य जी के साथ, और वही श्री रूप सनातन जी के साथ नहीं, बहुत अंतर है। महाप्रभु जी जो पंच तत्व के साथ है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवा सादी,
ये जो महाप्रभु जी पांच रूपों में प्रकट हुए, अब नित्यम प्रभु के साथ महाप्रभु जी, अद्वैताचार्य जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं, गदाधर पंडित जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं, शिवास पंडित जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं, और ये सब एक तरफ, समझे, ये सब तराजू में एक तरफ, और महाप्रभु जी जो षड गोस्वामी जी के साथ हैं वो एक तरफ, महाप्रभु जी जो सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामियों के साथ जो महाप्रभु जी का संबंध है वो एकदम अलग ही, निराला ही है, वो स्वरूप ही अलग है। और वो महाप्रभु जी जो अद्वैताचार्य जी, नित्यम प्रभु और गदाधर जी के साथ हैं, वो स्वरूप ही अलग है, वो स्वरूप ही अलग है। एक ही महाप्रभु, एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु मिले करे महाप्रभु सेवन। इन सब भूमिकाओं में महाप्रभु जी का अलग अलग वैशिष्ट्य है, एक नहीं है, इसका बड़ा विस्तार है, इस बात का बहुत बड़ा विस्तार है कि कैसे महाप्रभु जी षड गोस्वामी जी के साथ उनका एक अलग प्रकार का संबंध है, और पंच तत्व के साथ एक और अलग प्रकार का ही विचार है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी उन महाप्रभु जी को, कौन से महाप्रभु जी बोलते हैं, जो अपने ही नामामृत का आस्वादन करने वाले उन श्री चैतन्य चंद्र को मैं प्रणाम करता हूं, उन महाप्रभु जी को श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अपने ही नाम में मतवाले हैं, अपने ही नाम का आस्वादन कर रहे हैं। अरे कोई अपने नाम का आस्वादन करता है? यही विशेषता है, श्री कृष्ण अपने ही कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करके उसका स्वाद ले रहे हैं। उन चैतन्य चंद्र को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। फिर आगे कह रहे हैं, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस टीका का नाम दिग्दर्शननी है। सनातन गोस्वामी जी ने जो टीका लिखी दिग्दर्शननी है, क्योंकि इस टीका द्वारा आलोच्य ग्रंथ के अनेक अनेक प्रकार के, अर्थात श्रील गुरुदेव की टीका दिग्दर्शनी है, क्योंकि इस टीका द्वारा आलोच्य ग्रंथ के अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर अर्थों में से दिग्दर्शन न्याय के अनुसार केवल एक देशे अर्थ प्रदर्शित हुआ है, अर्थात इस ग्रंथ के श्लोक में अनेक प्रकार के अर्थ विद्यमान हैं, किंतु इस टीका में उनका एक देशीय अर्थ ही प्रदर्शित किया गया है, और ये टीका भी ग्रंथकार द्वारा ही लिखित है। ये विशेषता है इसकी कि ग्रंथकार श्री सनातन गोस्वामी जी पाद अपनी ही श्लोक के अनुवाद की स्वयं ही टीका कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको जो कहा है इसका मैं ही अर्थ समझा रहा हूं, मैंने आपसे जो कुछ कहा उसका, मेरे कहने का क्या अर्थ है, क्या मैं कहना चाहता हूं, उसका मैं अब विस्तार से कहूंगा। एक उदाहरण के रूप में, मुझको भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ, ये मैंने कह दिया। अब कोई कहे आप क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बताओ, क्या खाएंगे? अच्छा तो थोड़ा सा राइस बनाओ, थोड़ा सा दाल बनाओ, थोड़ा सैलेड हो जाए, थोड़ी सी सब्जी हो जाए, एक मीठा हो जाए। ये क्या हो गया? विस्तार हो गया। पहले एक ही बात कह दी, मुझको भूख लगी है, कुछ खिला दो, लेकिन क्या खाएंगे और कब खाएंगे, टेबल पे खाएंगे कि नीचे बैठ के खाएंगे, ये जो डिटेल्स जो बताई जा रही हैं, ये इसको कहा जाता है विस्तार।
तो अपनी ही बात का जो विस्तार कहा गया उसका नाम दिया गया दिग्दर्शनी टीका। अपनी ही बात का विस्तार कर रहे तो कह रहे क्योंकि इस टीका द्वारा आलोच्य ग्रंथ ये जो वृहद भागवतम ग्रंथ का अनेक अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर अर्थों में से दिग्दर्शन न्याय के अनुसार केवल एक देशीय अर्थ प्रदर्शित हुआ है, एक ही तात्पर्य में एक देशीय बहुदेशीय नहीं, बहुत विचारों से नहीं, एक ही प्रोस्पेक्टिव एक ही मंतव्य से है ना उसको जो कहा जा रहा है उसको दिग्दर्शनी टीका में विस्तार से कह दिया, इसलिए उसका नाम ही दिग्दर्शन है। कहने का अर्थ इस ग्रंथ के श्लोकों में अनेक अनेक प्रकार के अर्थ विद्यमान हैं, किंतु इस टीका में अर्थात इस ग्रंथ में जो श्लोक हैं उसका नाना प्रकार से अनेक प्रकार से अर्थ कहा जा सकता है, परंतु विशेष करके इस ग्रंथ में इस टीका में एक देशीय अर्थ ही प्रदर्शित किया गया है, बहुदेशीय नहीं, ये इसका तात्पर्य है। अब इसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा प्रसंग आ जाएगा तो वो इस समय में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कथा को यहीं पर रखता हूँ आज, और कल हिंदी की कथा नहीं होगी और परसों भी हिंदी की कथा नहीं हो पाएगी। कल कल कथा नहीं होगी क्योंकि कल मेरी यात्रा है, मैं इस स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हूँ, फ्लोरिडा जा रहा हूँ, तो कल सारा दिन यात्रा में निकल जाएगा। परसों फिर इसी समय पर हम कथा करेंगे, हिंदी की कथा इसी समय पर परसों होगी, कल एक दिन की आप लोगों की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी होती है ना, बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ छुट्टी मिल गई, लेकिन छुट्टी मिलने का मतलब क्या, होमवर्क, जो अभी तक सुना है उसको फिर से जहाँ पर जूम में फेसबुक पर हो फिर से उसको सुनो और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको नोट डाउन कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, ये होमवर्क रहेगा। और देखो ऐसे करने से वो जो विषय हमने सुना है वो याद हो जाएगा, जब हम फिर वापस जाकर उसी विषय को सुनते हैं या फिर उस पर पॉइंट लिख लेते हैं तो वो फिर वो स्मरण रह जाता है, वो याद रह जाता है, नहीं तो वो याद नहीं रहता। इसलिए अभी कल आप लोग यही करना और फिर परसों हम लोग आगे कथा सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री बृहद भागवतामृतम की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय।